बात अगर मछलियों की हो और उसमें रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों का जिक्र ना हो, भला ये कैसे हो सकता है। इस दुनिया में मछलियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती की मनमोहक छटा से किसी के भी दिल में अपनी जगह बना लेती है, बल्कि कई प्रजातियां तो ऐसी भी होती है जो लोगों के घरों में रखे एक्वेरियम की शान में चार चांद लगा देती है। तो चलिए आज हम आपको मछलियों की 10 ऐसी प्रजातियों से रूबरू कराते हैं जिनकी बला की खूबसूरती को देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि भाई वाह, मजा आ गया। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी कलरफुल साबित होने वाला है। रेड रोज टेल बेटा फिश। टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल फिश की इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं रेड रोज टेल बेटा फिश की, जो अपने नाम की तरह ही सुर्ख लाल रंग की होती है। ये मछली आमतौर पर थाईलैंड में पाई जाती है, जो वैसे तो शेप और पैटर्न में बिल्कुल हाफ मून फिश की तरह ही होती है, लेकिन ये उनसे थोड़ा अलग होती है। अगर बात करें इस मछली की रंग रूप की तो ये भड़कीले लाल रंग की होती है। अपने इसी रंग रूप के कारण ये मछली दिखने में काफी सुंदर और लाजवाब होती है, और यही कारण है कि रेड रोज टेल बेटा फिश लोगों के एक्वेरियम के लिए पहली पसंद होती है। इस मछली की अद्भुत सुंदरता के कारण ही इसे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है और एक्वेरियम में रखा जाता है। और अब अगर बात करें इसकी आकार की तो रेड रोज टेल बेटा फिश की लंबाई करीब 1.5 से 2.3 इंच के आसपास होती है। रेड लाइन फिश। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रेड लाइन फिश का, जिसकी बॉडी का कलर भूरा, लाल और मरून होता है। इसके साथ ही इसके ऊपर व्हाइट कलर की धारियां बनी होती है, जो लुक्स के मामले में इसे काफी कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाती है। आमतौर पर हिंद महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली इस मछली की लंबाई लगभग 1 से 18 इंच तक हो सकती है। समुद्र की गहराई में अपना बसेरा बनाने वाली लाइन फिश की करीब 500 प्रजातियां पाई जाती है। इस मछली की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये पूरे 30 महीने या उससे भी अधिक समय तक बिना कुछ खाए बड़े ही आसानी से सरवाइव कर सकती है। और अब अगर बात करें इनके प्रजनन की तो एक फीमेल रेड फिश हर 4 दिन पर 2 अंडों की थैलियां छोड़ती है, जिसमें करीब 10,000 से 30,000 तक अंडे मौजूद होते हैं। यानी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो एक साल में ये करीब 2 मिलियन तक अंडों का प्रजनन करती है। क्लाउन फिश। इस वीडियो में आइए अब आपकी मुलाकात क्लाउन फिश से करवाते हैं, जिसे बाकी की दूसरी मछलियों की तुलना में सबसे कलरफुल मछली माना जाता है। दुनिया की सबसे खूबसूरत मछलियों में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाली क्लाउन फिश आमतौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में अपना बसेरा बनाना अधिक पसंद करती है। पूरी दुनिया भर में क्लाउन फिश की लगभग 30 प्रजातियां मौजूद है, और अगर बात करें इनके रंग रूप की तो अलग अलग प्रजातियों के आधार पर इनका रंग लाल, पीला, काला और नारंगी होता है, जबकि कई क्लाउनफिश के शरीर के ऊपर व्हाइट कलर की पट्टी या पैच भी मौजूद होता है। और अब अगर बात करें इनकी साइज की तो क्लाउनफिश प्रजाति की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 6 से 7 इंच तक होती है, जबकि इस प्रजाति की सबसे छोटी मछली साइज में करीब 2 से 3 इंच के आसपास होती है। मार्बल बेटा फिश। छोटी सी दिखने वाली ये मछली दुनिया की सबसे सुंदर बेटा प्रजाति की मछलियों में से एक है, क्योंकि इस मछली के शरीर पर बहुत सारे रंग मौजूद होते हैं जो काफी खूबसूरत और आकर्षक दिखाई देते हैं। साथ ही इसके शरीर पर कई खूबसूरत धब्बे और पैटर्न्स भी होते हैं, जो इस मछली की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। लगभग 2 से 3 इंच की लंबाई वाली इस मछली को जो बात सबसे खास बनाती है वो ये है कि ये समय के साथ अपने रंग और पैटर्न को भी बदल सकती है। दरअसल इस मछली के 2 कलर के पैटर्न्स होते हैं, और कभी कभी ये 3 भी हो सकते हैं, जिसमें इनकी स्किन का रंग बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, जो इसे दुनिया की सबसे सुंदर मछलियों में से एक बनाता है। स्टारफिश। यूं तो स्टारफिश को आम भाषा में तारा मछली भी कहा जाता है, लेकिन इस मछली की खासियत इसके बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक रंग में होती है। आमतौर पर दुनिया भर के महासागरों में पाई जाने वाली स्टारफिश की करीब 2000 से भी अधिक अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी अधिकतर प्रजातियों में सिर्फ 5 भुजाएं ही पाई जाती है, जबकि इनकी कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद है जिनमें 24 भुजाएं भी देखने को मिलती है। लेकिन स्टारफिश की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर किसी वजह से इनकी कोई भुजा कट जाती है तो उस जगह पर अपने आप ही दूसरी भुजा विकसित हो जाती है। और अब अगर बात करें इनके साइज की तो इनकी औसत लंबाई लगभग 4 से 12 इंच तक हो सकती है, जबकि इनकी अधिकतम लंबाई करीब 20 इंच तक हो सकती है। मैंडरिन फिश। अब जरा एक नजर मैंडरिन फिश पर भी डाल लीजिए।
हालांकि काफी कलरफुल होने के साथ साथ ये मछली बेहद ही खूबसूरत होती है, लेकिन आम तौर पर ये प्रशांत महासागर के चट्टानी इलाकों में पाई जाती है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मैंडरिन फिश पूरी तरह से स्पाइक से ढकी होती है और इनके स्पाइक बेहद ही जहरीले होते हैं। ऐसे में अगर कोई इसे बेवजह परेशान करने या फिर छूने की कोशिश भी करता है तो ये उसके ऊपर अपने स्पाइक से वार करने से भी परहेज नहीं करती है। लगभग 3 इंच की लंबाई वाली इस मछली के शरीर का रंग चमकदार नीला, गहरा हरा और भूरा होता है, जो इसे काफी रंगीन बनाने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत भी बनाता है। मल्टी कलर्ड हाफ मून बेटा फिश। जैसा कि इस मछली के नाम से ही पता चलता है कि ये मल्टी कलर्ड हाफ मून बेटा फिश अपनी पूंछ पर ही आधे चांद को लेकर घूमती है। लेकिन बता दे कि इसकी पूंछ पर बहुत सारे रंग मौजूद होते हैं जो इसकी सुंदरता को और भी दिलकश बनाते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लोग इस मछली को अपने एक्वेरियम में सजा कर रखना काफी पसंद करते हैं। लोगों के बीच पालतू जीव के रूप में सबसे लोकप्रिय होने के कारण ही इसे पेट इंडस्ट्री और दुनिया भर के एक्वेरियम में भी जगह दी गई है। वही अगर बात करें इस मछली के रंग रूप की तो इनकी बॉडी पर लाल, सफेद, नारंगी, नीला, सिल्वर और पीला रंग होता है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 3 इंच के आसपास होती है। पैरट फिश। आम तौर पर इंडो पैसिफिक में पाई जाने वाली पैरट फिश का ये नाम इसके मुंह की बनावट की वजह से रखा गया है। दुनिया की सबसे कलरफुल और खूबसूरत मछलियों में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाली पैरट फिश की लगभग 90 प्रजातियां पाई जाती है। इतना ही नहीं, दूसरी मछलियों की तुलना में पैरट फिश के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये मछली अपने विकास के दौरान अपने लिंग और रंग को बार बार बदलने की अनोखी क्षमता रखती है। और आप इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे कि पैरट फिश की लगभग सभी प्रजातियां जन्म तो फीमेल के रूप में लेती है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये अपने लिंग को पुरुष के रूप में बदल लेती है। इनकी एक खासियत ही इन्हें बाकी की दूसरी मछलियों की तुलना में सबसे अलग बनाती है। रीगल एंजल फिश। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली रीगल एंजल फिश कई अलग अलग पैटर्न्स में देखने को मिलती है। लुक्स के मामले में काफी खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाली इस मछली के शरीर पर नीली, सफेद और नारंगी रंग की धारियां होती है, जबकि इनके पंखों में भी कई खूबसूरत पैटर्न्स मौजूद होते हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी निखारने का काम करते हैं। इसके साथ ही इनकी पूंछ का रंग गहरे पीले रंग का होता है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। आम तौर पर ठंडे पानी में अपना बसेरा बनाने वाली ये मछली मीडियम साइज की होती है, और अगर बात करें इनकी साइज की तो इनकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तक होती है। व्हाइट क्राउन टेल बेटा फिश। वीडियो के अंत में चलिए अब हम आपकी मुलाकात व्हाइट क्राउन टेल बेटा फिश से कराते हैं। बिल्कुल दूधिया सफेद रंग की ये मछली जब पानी की सतह पर तैरती है तो इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मानो खुले आकाश में कोई परी अपने पंखों को फैलाकर उड़ रही हो। इस मछली के शरीर का सफेद रंग इसे न सिर्फ दूसरी बेटा प्रजाति की मछलियों से बिल्कुल अलग बनाती है, बल्कि बला की खूबसूरत भी बनाती है। ये मछली भी दूसरे क्राउनटेल फिश की तरह ही साफ और मीठे पानी में रहना पसंद करती है, और इसे भी वनस्पतियां बहुत अच्छी लगती है। तकरीबन 2 से 3 इंच की लंबाई वाली इस मछली के फेवरेट फूड में आमतौर पर मक्खियां शामिल होती है। व्हाइट क्राउन टेल बेटा फिश के अंदर एक खास बात ये होती है कि ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से से सांस ले सकती है, और इनकी एक खासियत प्राकृतिक रूप से इसके अंदर मौजूद होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको इन मछलियों में से सबसे खूबसूरत मछली कौन सी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।